नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंदर ही अंदर आपके लिए एक गड्ढे खोद रहे हैं इस नाम का इंसान। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस व्यक्ति से आप हो जाइए सावधान, कि दोस्तों यह व्यक्ति आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह इंसान कोई गैर नहीं। जी दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में रहने वाले आपके समीप के ही इंसान हैं। जी दोस्तों, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों, आपको बस इस बात की भनक नहीं है कि यह इंसान आपके लिए अंदर ही अंदर गड्ढे खोद रहे हैं जिनमें यह आपको गिरा सके। जी दोस्तों, और पिछले समय में भी दोस्तों इस इंसान ने आपको बहुत सारे संकटों में डाले हैं, लेकिन दोस्तों इस बार का जो संकट है आप सभी के लिए जीवन के सबसे बड़े खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, समय रहते आप हो जाइए सावधान। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उस व्यक्ति के नाम भी बताएंगे, नाम के पहले अक्षर उस व्यक्ति को बताएंगे, जिन्हें दोस्तों जानकर आप सावधान भी हो जाएंगे। सारे दोस्तों, इस व्यक्ति को कैसे आप अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए, आपके जीवन के लिए खासकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, इन्हें मिस करने की भूल ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर दिखेगा। कि दोस्तों, अगर आप जीवन के थोड़ा सा कीमती समय निकालकर वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आने वाला पूरा जीवन आप सभी के लिए सुरक्षित होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां आती है। इन्हीं व्यक्ति के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है और इसी व्यक्ति के कारण आप सभी के जीवन काल में इतना लगातार परेशानियां चल रही है। आपका मन अशांत हो गया है, आप चाहकर भी कोई कार्यों में सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जीवन काल में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल की आपकी परेशानियां खत्म होंगी, जीवन काल में आपको खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी को सुनना बहुत ही आवश्यक है। ये दोस्तों, इन बातों को सुनकर आप जीवन काल में आने वाली हर एक स्थिति में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात है, तो दोस्तों इन्हें ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने जीवन काल में जो भी आपको एक बार कष्ट देते हैं उन पर दोबारा विश्वास मत करना। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अपने दुश्मन को जीवन काल में माफ कर देना, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में इन बातों को याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुश्मन है वह कुछ भी कर सकता है, आपको मारने के लिए वह कितने भी हद तक गिर सकते हैं, चाहे उनका वजूद मिट जाए, लेकिन दोस्तों वह आपको गिराने की चाह नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान या बात अगर आपको सटीक लगी हो, इन पर यकीन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिनकी वजह से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आपके जीवन काल में अंदर ही अंदर गड्ढे खोद रहे हैं, आपको गड्ढे में जो गिराना चाहता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही सफल इंसान बनने की सोच रखते हैं। जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों, आप कभी भी उन्हें मन में दबाकर नहीं रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जीवन काल में चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं, दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो आने वाले क्रियाकलाप हैं, उन सभी की जो गुप्त बातें हैं, अपने जीवन काल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी समस्याएं आ रही है यहीं से शुरुआत होती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, फिर दोस्तों धीरे धीरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नजरिया बदल जाता है और दोस्तों वे आपसे ही जलनशील की भावना से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आप इन बातों को समय समय पर नजरअंदाज
करते आ रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए कि पिछले समय अंतराल में भी आप सभी के जीवन काल में ऐसे कई लोग आए हैं जो कि आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिए हैं, और कोई ऐसा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आपसे मिलने के ये बहुत ही प्रकार के जो है कार्य भी किए हैं, आपके सामने अच्छे बनने के कार्य भी वो लोग करते हैं, और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बैठते हैं। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक बार माफ कर अच्छा इंसान बन जाओ, लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों जो इंसान जैसा था वह वैसा ही रहेगा, आप उन पर बिल्कुल ही यकीन ना करें। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जीवन में कभी भी धोखा दिए हैं, कभी भी आपको छल किए हैं, तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार से पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है। जी दोस्तों उनसे बात भी आपको नहीं करना है, जैसे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं। और दोस्तों यही ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके ऊपर छल करते हैं, आपके जीवन काल में कई प्रकार के टोने टोटके कराते हैं, जिससे दोस्तों आपको क्षति आपको नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है, गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बात है जो कि आपके लिए सटीक है कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगता है, जे दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार्य करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं। दोस्तों ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है, जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप उनके पीछे की बात को छान भी नहीं करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि आपको धोखा देने के चक्कर में रहते हैं, और फिर दोस्तों जब उनको आप पैसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों में बुरे बन चुके हैं। जी दोस्तों तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पैसे से लेन देन जल्दी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में पैसा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है। जे दोस्तों जहाँ पैसे हमारी जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करती है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करे हो, हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं, वे हमसे नजरें चुराने लगते हैं। जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसे जीवन की हालात हो जाती है। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें, अगर आप दोस्तों इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लोगों से पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो दोस्तों जहाँ तक हो सके आप समय उन्हें दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, और दोस्तों पैसे को लेन देन में आप बिल्कुल ही ना पड़े। तो दोस्तों इन बातों का आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें कि दोस्तों ऐसी ही गलतियां होती है जो कि आपके जीवन काल में आप करते हैं, और दोस्तों आगे चलकर वही गलती विशाल रूप धारण करके आपके जीवन काल में कई प्रकार के समस्याओं का कारण बनते हैं। जे दोस्तों और यही लोग आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में टोटके भी करवाते हैं, भूत भी छोड़ते हैं, बहुत प्रकार की जो इनके ऊपर हो सकती है वे सभी कार्य आपके ऊपर ये करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस नाम का इंसान का जो पहला अक्षर है वह है MNCPGSR। दोस्तों इन सभी नाम के पहले अक्षर में से किसी एक अक्षर जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन है, अगर इन नामों के पहले अक्षर में से किसी के ऊपर अगर आपको शक हुआ हो तो दोस्तों यकीन मानिए यही आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन है। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि कैसे आप इनको अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हुई है, जो भी कठिनाइयां आपको मिली है, दोस्तों उन सभी को आप भूलने की प्रयास करें, कोई नई चीजों को पढ़ें, नए कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपके ऊपर छल किया है उनको ऊपर आप विश्वास बिल्कुल ना करें, और दोस्तों आने वाले जीवन काल में जितना हो सके उनसे कम बात करने की प्रयास करें, इनसे दोस्तों आपके माइंड में इनका ख्याल आना कम होगा और दोस्तों आपके दिमाग में कोई और चीज आएगी जिससे दोस्तों आपका आकर्षण किसी और की तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इन बुरे व्यक्तियों को अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं, और यही कारण है कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में अच्छी उपलब्धि भी इनसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं।